आज जो पंजाब में ही नहीं पूरे देश के अंदर ये लहर चल रही है, लहर नहीं बल्कि गुस्सा है कि जो मोदी ने काले कानून पास किए हैं उनका सीधा सीधा फायदा अडानी और अंबानी परिवार को है, जो बड़े घराने हैं। ठीक है, इनका जो जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में, चाहे इनका कोई शोरूम है, चाहे कोई मॉल है, चाहे पंप है, इनके सबका ही बायकॉट कर रहे हैं और करेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे। वो तो पहले ही बहुत लोगों ने रिलायंस की जो सिम सी पंजाब के अंदर खास करके पहले लोगों ने बहुत बंद कर दी है दोस्त के वजह, तो और आने वाले समय में सभी बंद कर देंगे। ऐसे मतलब बोलने से कुछ नहीं होता, जो करना है इसने इसका सेशन बुला के उसमें जो जितनी पार्टी है फिर उसको वो पास नहीं करेंगे। बोल रहे हैं दो महीने से, बोल रहे हैं बरबली, बोल रहे हैं हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे MSP रखेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। जब तक इसका सेशन बुला के इसको पास नहीं करवाते, जो काले कानून है जितने भी हैं तीन है, उसके बगैर हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। सरकार क्यों नहीं गलती मान रही? हम तो बोलते हैं सारा कानून वापस होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट की कोई जगह ही नहीं है। अमेंडमेंट तब होता है जब उसमें एक दो गलती रहे, ये तो सारा ही गलत बना हुआ है। सरकार के मन में शुरू से ही मैल है, उनके मन में शुरू से कोई ऐसी बात चल रही है इस संघर्ष को लंबा करेंगे तो शायद लंबा करने से ये संघर्ष कमज़ोर पड़ जाएगा। पर मोदी को ये नहीं मालूम जितना लंबा कर रहा है ये संघर्ष उतनी ही ताकत पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं आज कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो, जैसे कल भारत बंद था, पूरे देश के अंदर भारत बंद हुआ है, जहाँ जहाँ BJP की सरकार थी वहाँ भी बंद हुआ है, जहाँ नहीं वो तो प्रॉपर बंद रहा। कल ऐसा बंद था भारत बंद, इतिहास में पहली बार है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको बंद कराने के लिए किसी को जोर लगाना पड़ा हो, अपने आप लोगों ने बंद किया।